ये पेठा है, जो मीठा पेठा होता है इस तरीके का, लोग पानी के साथ खाते हैं, ये वही पेठा है। अब इसको एक कप में डाल लेंगे और इसमें पानी डाल लेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भीगने देंगे, जिससे इसमें मीठापन है वो इसके अंदर का कम हो जाएगा। अब इस 2 मिनट हो गए, अब इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे। अगर आप भूल जाए भिगोना तो आप इसको पीसने के बाद भी, ग्राइंड करने के बाद भी आप इसको धो सकते हैं। एक ग्लास दूध डाल लेंगे, एक खौल आ जाए तब डालेंगे पेठे का पेस्ट। पूरा जितना पेस्ट तैयार किया है पेठे का वो डाल देंगे। इसमें एसेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेठे में खुद ही पड़ा होता है केवड़ा, गुलाब जल, अलग अलग तरह के पेठे आते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल दें जो आपके पास हो। मैंने इसमें बादाम, केसर और पिस्ता डाला है। अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, ये थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। रबड़ी तैयार है बिल्कुल।